हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार, आप सभी का एक बार फिर से अंबेडकर एजुकेशन मिशन की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अगली क्लास में आगे के चैप्टर पर चर्चा करते हैं। चलिए आज हम चर्चा करेंगे जो अन्य चीजें हैं। देखिए सौरमंडल अपने कंप्लीट कर चुके हैं। सौरमंडल के अंदर जो अन्य चीजें हैं जैसे उल्का पिंड है, ठीक है, और पुच्छल तारा है, धूमकेतु कहते हैं जिसको, ठीक है, उसके ऊपर, और जो दूसरे एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, वो उन चीजों पर अपने आज क्या है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले धूमकेतु के ऊपर चर्चा करते हैं कि धूमकेतु क्या है। ठीक है, और जो मून है उसके ऊपर अभी विस्तृत चर्चा कमी रह गई। इससे अगली जो क्लास होगी वो पूरी की पूरी मून के ऊपर होगी, यानी कि हमारे जो पृथ्वी के चंद्रमा है उसके ऊपर होगी कि कैसे वो निर्मित हुआ, क्या उसकी खास बातें हैं, वो इससे आगे आने वाली क्लास है उसके अंदर मैं पूरा विस्तार से करूंगा। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं मून से बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, उनसे पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, और चंद्र ग्रहण क्या है, ये क्यों होता है, ज्वार भाटा, ये सभी चीजें अपने क्या है जो अगले आने वाली क्लास है उसके अंदर मैं कंप्लीट करूँ। आपने देखा होगा ज्वार भाटे से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो अब क्या स्थिति है, क्यों बनते हैं, वो सभी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आज अपने किस पर करेंगे, धूमकेतु पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपने करते हैं कि धूमकेतु है क्या। ठीक है, देखिए धूमकेतु है ना, आप इसके नाम पर जाइए, देखिए धूमकेतु पे चर्चा करें। धूमकेतु दोस्तों, केतु का मतलब होता है तारा। क्या मतलब होता है, तारा होता है, ठीक है, धूमकेतु कहते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है, देखिए धूमकेतु, और धूम का मतलब है धूल, धूम का मतलब है धूल, यानी कि धूल का एक तारा। लेकिन असल में ये एक तारा नहीं है, असल में एक कोई ये तारा नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। ठीक है, धूमकेतु के अलावा इसको, इसका दूसरा नाम है पुच्छल तारा, इसको बोलते हैं पुच्छल तारा बोलते हैं। ठीक है, पुच्छल का मतलब पूंछ, ठीक है, तारा तो आप समझते हैं, यानी कि ऐसा तारा जिसकी पूंछ है, पूंछ वाला है ना, जिसकी पूंछ है। तो हिंदी में इसके दो नाम हैं, धूमकेतु पुच्छल तारा, और इंग्लिश में इसको कॉमेट, क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि असल में चीज क्या है। देखिए असल में ये कोई तारा नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई तारा नहीं है कि जिसे अपने तारा कहा जाए धूमकेतु। ठीक है, अब मैं बताता हूं है क्या। देखिए मैं आपको पिछली क्लास में यह समझा चुका हूं कि हमारे आकाश में, ठीक है, हमारे जो सौरमंडल में है अनेक चीजें घूमती रहती हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाती रहती है लगातार, ठीक है, जिसमें क्या आ जाते हैं, ग्रह भी आ जाते हैं, ग्रह के अलावा अन्य चीजें हैं जो इसका चक्कर लगाती हैं, गैसें भी हैं, गैस हो गई है, ठीक है, और कुछ चट्टाने हैं। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया था क्षुद्र पट्टी के बारे में, क्या बताया था आपको, क्षुद्र पट्टी के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखिए समझना आपको, क्षुद्र पट्टी के बारे में मैंने बताया था, अब देखिए क्षुद्र पट्टी में है क्या, क्षुद्र पट्टी में क्या है, क्षुद्र पट्टी में एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, इनके चट्टानों के टुकड़े घूम रहे हैं। अब देखिए क्योंकि चट्टानों के टुकड़े क्या हो जाते हैं, आपस में कभी कभार क्या है टकरा जाते हैं, जिससे ये टूट जाते हैं। अब ये चट्टानों के टुकड़े टूट कर, देखिए आप वीडियो की स्क्रीन पर भी मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ये इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बट जाते हैं, जब ये टूटते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, देखिए ये अब टूट गए हैं, यानी कि बारीक कणों में बट गए हैं। ठीक है, इसमें बट गए हैं बारीक टुकड़ों में, कणों में, जिसके अंदर क्या होती है, धूल भी होती है, मिट्टी होती है, ठीक है, और बर्फ भी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि अपनी खुद की ग्रेविटी के कारण क्या अलग नहीं हो पाते, ये क्या है, अपने से अलग नहीं होते, ये एक गुच्छे में रहते हैं। तो होते तो धूल कण है, लेकिन ये क्या रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं। होते कि एक क्षुद्र पट्टी वगैरह या कोई ग्रह है वो टूट गया है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी फिर इसकी ग्रेविटी, सूर्य की ग्रेविटी से दूर नहीं जा पाते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य की ग्रेविटी है, इसलिए ये क्या है, ये भी इसका चक्कर लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इसका इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है,
एक एक तरफ ये ज्यादा दूर से घूमते हैं और एक तरफ पास में आ जाते हैं। अब देखिए जब ये इस प्रकार से पास में आते हैं, ठीक है, जब ये क्या होते हैं, जब इसके पास में आते हैं, सूर्य के पास में आएंगे, तो सूर्य के ऊपर मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में सौर पवन के बारे में, सौर पवन के बारे में, ये हमेशा चलती रहती। तो जैसे ये सौर पवन के संपर्क में आते हैं तो ये जो धूलकण होते हैं, धूलकण वगैरह होते हैं, जलने लग जाते हैं। ये जब उसके संपर्क में आते हैं साइड में, ठीक है, सूर्य की तरफ आते हैं, तो ये क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं। जब ये जलते हैं तो देखिए हवा जब तेज होती है, ये भी तेज होते हैं, तो ये पीछे एक इसमें से क्या गैसें वगैरह निकलनी शुरू हो जाती है, वो जलने लग जाते हैं, गैसें निकलती हैं, इन गैसों से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, और वो तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और पीछे एक पूंछ की तरह आकृति बन जाती है। क्या पीछे एक पूंछ की तरह इस प्रकार से क्या है, एक आकृति बनती है, इसी को अपने क्या बोल देते हैं, धूमकेतु बोल देते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है धूमकेतु, ठीक है। अब देखिए ये पूछा जाता है कि इसके अग्रभाग को क्या कहते हैं, ठीक है, इसका जो अग्रभाग है इसको कोमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। जो इसके मध्य का भाग होता है इसको नाभि बोलते हैं, जो मध्य भाग है इसको नाभि बोलते हैं, और पीछे तो आपको पता ही है फिर क्या है, पूंछ है ना। एक बात है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि पूंछ इसकी किस तरफ होती है, कि जो धूमकेतु है इसकी पूंछ की तरफ किस तरफ होती है, ये हमेशा इसकी पूंछ सूर्य की विपरीत दिशा में होगी, इनके अब देखिए सूर्य की तरफ आएगा, इसको देखिए ध्यान से आप समझे इसको, अब ये सूर्य की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो सौर पवन तो सूर्य की तरफ से है ना, तो ये उल्टी साइड में, अब ये पवन तो इस तरफ चल रही है, तो इससे निकलने वाली गैसें ये किस तरफ लेके जाएगी, उल्टी साइड में लेके जाएगी ना, विपरीत दिशा में इस साइड में लेके जाएगी, तो ये यहां से इस प्रकार से बनेंगे। अब देखिए यहां पे है ये इस प्रकार से, ठीक है, हमेशा सूर्य से उल्टी साइड में, ठीक। अब देखें इसको, इस चित्र को देखें ध्यान से, ठीक है, इस प्रकार से सूर्य से उल्टी साइड में, हमेशा उल्टी साइड में, और जैसे इससे दूर जाते जाएंगे, जैसे ही इससे दूर जाते जाएंगे ये सामान्य रूप में होता जाएगा, यानी कि इसकी पूंछ की आकृति भी क्या कम होती जाएगी, और ये आपको मैंने समझा दिया है कि धूमकेतु असल में होते क्या हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर होते क्या क्या हैं, इसके अंदर देखिए बर्फ, धूल, ठीक है, और छोटे चट्टानों के टुकड़े, क्या छोटे चट्टानों के टुकड़े, ठीक है, और इसके अलावा अन्य कोई गैसें होती हैं। तो ये क्या था, हमारा धूमकेतु था, जिसको इंग्लिश में कोमेट बोलते हैं, तो ये अंतर है, ठीक है, तो ये चीज है क्या धूमकेतु। तो धूमकेतु के बारे में आप समझ गए होंगे धूमकेतु क्या है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्या चीज आती है, इसके अलावा जो चीज आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं धूमकेतु के बाद, जो हमें जो जहां पर क्या रहता है कंफ्यूजन रहता है ना, उस चीज को क्लियर करना जरूरी है। धूमकेतु के अलावा, ठीक है, जो उल्का पिंड, ठीक है, उल्का क्या, उल्का एम उल्का पिंड, उल्का पिंड। अब देखिए अक्सर हम उल्का पिंड और धूमकेतु इसको एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, इसमें अंतर है, ठीक है। धूमकेतु, जो धूमकेतु है वो अलग है, वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, धूमकेतु अलग है और उल्का पिंड अलग चीज है। अब समझते हैं उल्का पिंड क्या है। अब मैंने आपको समझाया था जैसे कि क्या हो जाते हैं ये टुकड़े हैं वो टूट जाते हैं। आप वीडियो में देखें कि जो एस्ट्रॉइड हैं, यानी कि जो चट्टानों के टुकड़े हैं, ठीक है, ये कैसे घूमते हैं, ठीक है, ये सूर्य का चक्कर कैसे लगा रहे हैं, ये एस्ट्रॉइड है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एस्ट्रॉइड है और ये क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। जो पहली रिंग है किसकी, एस्ट्रॉइड बेल्ट की, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। अब सभी ग्रहों के बाहर
सभी ग्रहों के पार क्या है, ये सभी ग्रह हो गए आठ के आठ, इसके बाहर क्या है, एक और पट्टी है, किसकी, चट्टानों की एक और पट्टी है जो क्या लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जब चक्कर लगाते रहते हैं, जब ये आपस में टकरा जाते हैं, जब ये क्या है आपस में टकरा जाते हैं, तो क्या होता है, जब टकराने से ये क्या है अपने जो इस चक्कर से यानी कि अपने पथ से भटक जाते हैं, ये अपने पथ से भटक जाते हैं और कभी कभार क्या आ जाते हैं, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यही चट्टानों के टुकड़े, यही एस्टेरॉइड्स क्या आ जाते हैं, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। जब ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो हमारे वायुमंडल के साथ इसका क्या होता है, घर्षण होता है, वायुमंडल के साथ घर्षण होने से क्या है, इसके अंदर क्या लग जाती है, आग लग जाती है, ठीक है ना, ये जलने लगते हैं। जब ये जलने लगते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उल्का बोलते हैं। जब ये हमारी वायु हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जब ये जलने लगते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। ये अपने को बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए आगे, इसमें थोड़ा फर्क है, इसको ध्यान से समझिए। जब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आकर कोई चट्टान जलने लगती है तो वो क्या कहलाती है, उल्का कहलाती है। अब देखिए आगे, लेकिन जब वो उल्का बड़े होती है या फिर वो चट्टान का टुकड़ा बहुत बड़ा होता है कि हमारे वायुमंडल में घर्षण के साथ वो पूरा क्या है, जल नहीं पाता, ठीक है, जब वो पूरा जल नहीं पाता तो क्या होता है, वो हमारी पृथ्वी पर गिर जाता है, क्या हो जाता है, वो हमारी पृथ्वी पर नीचे गिर जाता है। जब पृथ्वी पर नीचे गिरता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है, क्या कहलाता है, उल्का पिंड कहलाता है, जब हमारी पृथ्वी पर गिर जाता है। अब देखिए, जब ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के साथ हवा में ही या वायुमंडल में ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो इसको उल्का जीवाश्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उल्का जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उल्का पिंड और उल्का कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, इनमें हमेशा ही परीक्षाओं में अंतर पूछा जा सकता है, यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था किसके अंदर, उल्का पिंड और किसके अंदर, धूमकेतु के अंदर अंतर पूछा गया था, धूमकेतु और इसमें अंतर पूछा गया था, ठीक है। तो अंतर आपको मैंने बता दिया है, जो धूमकेतु क्या होते हैं, ये ज्यादा बारीक कण होते हैं मिट्टी के, ठीक है, उसको तो क्या बोल देते हैं अपने, धूमकेतु बोलते हैं। जब धूमकेतु तब बोलते हैं जब वो बारीक कणों में, जब वो बारीक कणों में एक जगह इकट्ठा रहता है और वो क्या है, सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। लेकिन जब वो ठोस चट्टान के रूप में, ठोस चट्टान के रूप में क्या है, हमारे सूर्य का चक्कर लगाएगा, तो उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। आप ध्यान रखें, इसमें अंतर है, क्या है, ठोस जब चट्टान के रूप में, जब ठोस चट्टान के रूप में सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, अपने पथ पर, ये ध्यान में रखें, अपने पथ पर, ठीक है, तब वो क्या कहलाता है, क्षुद्र ग्रह, क्या कहलाता है, क्षुद्र ग्रह कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जब यही टूट जाता है बारीक कणों में टूटकर, क्या, यही चट्टाने जब बारीक कणों में बिल्कुल धूल कण मिट्टी हो जाती है, तब ये जब चक्कर लगाता है तो तब क्या बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, आप ही बताएंगे, तब बोला जाता है इसको धूमकेतु, धूमकेतु बोला जाता है। लेकिन यही चट्टान जब टूट कर, देखिए, टकराकर या टूटकर अपने पथ से भटक कर जब हमारे वायुमंडल में आती है चट्टान के रूप में, ध्यान रखें चट्टान के रूप में, ठीक है, तब ये क्या कहलाता है, उल्का कहलाता है। उल्का जब जलता है तभी उल्का कहलाता है, और जब ये हमारे पृथ्वी पर गिर जाता है तब ये क्या कहलाएगा, उल्का पिंड कहलाएगा। तो ये अंतर था इन दोनों चीजों में, ठीक है, क्षुद्र ग्रह मैंने बता दिया आपको, ठीक। हाँ, एक और चीज की आपको मैं जानकारी दे दूं, जो क्षुद्र ग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनकी एक और श्रेणी है, ठीक है, इनको बोना ग्रह भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, बोना ग्रह भी बोला जाता है। अब देखिए, बोना ग्रह का मतलब क्या है, बोना ग्रह ये होता है, देखो, जो क्षुद्र ग्रह है सीधे उनका कोई
उनकी कोई आकृति नहीं होती, वो एक चट्टान के रूप में इनके एक पत्थर या किसी भी टुकड़े के रूप में वो घूमता है। लेकिन बोना ग्रह, शुद्र ग्रह में बोना ग्रह होता है, वो क्या होता है, गोलाकृति में होता है। जैसे दूसरे हमारे बड़े ग्रह गोलाकृति के हैं, उसी प्रकार से जो बोना ग्रह होता है गोलाकृति में ही घूमता है। लेकिन क्योंकि वो 2006 के जो हमारी शर्त रखी गई थी, ठीक है, उसके अंदर ग्रह नहीं उतरते, इसलिए उनको बोने ग्रहों में रखा जाता है और इनका एक निश्चित द्रव्यमान नहीं होता, जिस कारण ये बोने ग्रहों में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे क्षुद्र ग्रहों में बोने ग्रह भी होते हैं। जैसे कि एक प्रमुख बोना ग्रह है जिसका नाम क्या है, शेरेश है। देखिए शेरेश सबसे पहले खोजा गया, ध्यान में रखें ये क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले खोजा गया बोना ग्रह है। बोना ग्रह है तो ये अंतर पूछा जा सकता है कि सबसे पहले खोजा गया बोना ग्रह कौन सा है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए शेरेश। अब देखिए, जब से प्लूटो ग्रह आपने सुना होगा, ठीक है, 2006 के बाद एक प्लूटाइड क्या एक श्रेणी बनाई गई है, जिसको क्या बोला गया है, प्लूटाइड बोला गया, प्लूटाइड श्रेणी। तो ये प्लूटाइड श्रेणी में आता है शेरेश। प्लूटाइड श्रेणी क्या है, मैंने आपको बता दिया, ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह जो गोलाकृति में है, ठीक है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, वो प्लूटाइड श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से क्या कहलाएंगे, क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, अक्सर यहीं पे कंफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमने क्या इस चीज को समझ लिया है, अच्छे से जान लिया है। ठीक है, तो इसीलिए अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये क्लास मैंने अलग से रखी है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे से समझाना जरूरी था, इसलिए इसकी अलग से वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो ये उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी चीजें क्या है। ठीक है, तो अब अपने ये तो चैप्टर है अपने क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियो होगी, उसके अंदर मैं पूरा का पूरा क्या है, मून के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।